हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिटी वाले चैप्टर में पिछले चैप्टर मैंने तुमको कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बताया था कि कैसे ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। इसी तरह से ये जो एक्वाटिक मीडियम होता है इसके अंदर भी सेम वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि सपोज कोई पॉन्ड हो, बहुत छोटे पॉन्ड में तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, अगर डीप पॉन्ड है या फिर लेक है ना, तो डीप पॉन्ड में ऊपर का जोन होगा लिम्नेटिक जोन, जिसमें कि सनलाइट का वेल पेनिट्रेशन होगा, और नीचे बीच का जो जोन होगा कंपनसेशनल लेवल होगा, उतना ज़्यादा सनलाइट नहीं होगा, ठीक ठीक होगा। एंड लास्ट इज नो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ओनली डिकम्पोजर्स, जहाँ पर कि सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। इसी तरह से लेक में जो सबसे ऊपर का जोन होगा वो लिटोरल जोन होगा या एपिलिम्नियन जोन होगा, ऊपर से लेके अबाउट 6 मीटर्स तक। नेक्स्ट जो 6 मीटर्स टू 10 मीटर्स तक होगा वो होगा सब लिटोरल जोन या हाइपोलिम्नियन, और आफ्टर 10 मीटर्स ये प्रोफंडल जोन होगा, जहाँ पर कि सनलाइट का पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा और यहाँ पर डीकम्पोजर्स पाए जाएंगे, फोटोसिंथेसिस वाले प्लांट्स यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। लाइक फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, द एक्वाटिक कम्युनिटीज ऑल्सो शो द सेम वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन। दीज स्ट्रेटा डिपेंड अपॉन लाइट इंटेंसिटी, वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रेटिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पे, वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन पे और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी टेम्परेचर का भी वेरिएशन होगा, जो ऊपर के जैसे लिटोरल जोन के टेम्परेचर में और प्रोफंडल जोन के टेम्परेचर में बहुत फर्क होगा, है ना। ये तो आपको पता है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, तो थर्मल फ्लक्चुएशन इसमें ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जोन वाइज जो ऊपर का टेम्परेचर और लास्ट प्रोफंडल वाले में हमेशा काफ़ी अंतर पाया जाएगा। जैसे कि लेक का अपन देखते हैं, लेक कम्युनिटी, इन पॉन्ड्स वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ वेरी लिटिल। पॉन्ड्स के अंदर जो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन है बहुत कम होता है। इन डीप पॉन्ड्स एंड लेक्स 3 well-recognized हॉरिजेंटल स्ट्रेटा कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। इसमें लेक में 3 well-defined स्ट्रेटा पाए जाते हैं। नंबर 1 जो सबसे ऊपर होगा वो है लिटोरल जोन, दिस इज द शैलो वाटर रीजन इन विच लाइट पेनिट्रेट्स अप टू द बॉटम। इसमें लाइट जो है बॉटम तक जाएगा, एंड इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द रूटेड प्लांट्स। इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स पाए जाएंगे फोटोसिंथेसिस वाले। नेक्स्ट जो होगा वो होगा सब लिटोरल और लिम्नेटिक जोन, दिस इज द ओपन वाटर जोन टू द डेप्थ ऑफ इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन। ये ओपन वाटर जोन होगा और इसमें भी इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन होगा। इट इज ऑक्यूपाइड बाय प्लैंकटॉन्स, नेक्टॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर प्लैंकटॉन्स बोथ फाइटो एंड जू, फिशेज, नेक्टॉन्स दूसरे तरह के और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो होगा प्रोफंडल जोन, इट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द लेक, एक्सटेंडेड बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन। यानी ये इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन के बाद का जोन है, जहाँ पर कि सनलाइट नहीं जा पाती है और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस वाले प्लांट नहीं मिलेंगे, और ओनली डीकम्पोजर्स या एनोरेबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। दिस जोन लैक्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, द बॉटम मडूस कंटेन्स ओनली एनारोबिक बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो बैक्टीरिया, फंजाई या दूसरे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। Likewise, in a marine community, 4 distinct zones are recognized. मतलब अपन aquatic system में, एक तो आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया पॉन्ड और लेक का, और दूसरा जो होता है मराइन वाटर जो सी होता है,
उसके अंदर भी अपन इस तरह से चार जोन बना सकते हैं, या अपन जितना अकॉर्डिंग टू लाइट पेनिट्रेशन के आधार पे या टेम्परेचर के आधार पे इसको भी अपन वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर जो का जोन जो होगा वो नियार्टिक या इक्वेटोरियल जोन होगा। दिस इज द शेलो वाटर जोन ऑफ इंटर टाइडल एरिया ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इंटू सुप्रा टाइडल, इंटर टाइडल एंड सब टाइडल जोन्स। इस तरह से इसको फिर से सब जोन्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे पूरा इफेक्टिव सनलाइट का पेनिट्रेशन रहता है। नेक्स्ट इज ओशियनिक और सबलिटरल जोन। दिस इज द जोन ऑफ ओपन सी बियॉन्ड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ अप टू द डेप्थ ऑफ इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन। ये जो होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला जोन होता है जिसमें कि लाइट का इफेक्टिव पेनिट्रेशन पाया जाता है, एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स फ्रॉम द सरफेस। यानी सरफेस के नीचे 200 मीटर्स तक ओशियनिक या सबलिटोरल जोन पाया जाता है, और इसको इट इज़ कॉल्ड द इफोटिक जोन। इसे इफोटिक जोन भी कहते हैं। इसके 200 मीटर्स के बाद जो जोन आएगा उसे बेडियल और आर्किबेंथिक जोन कहते हैं। दिस जोन इज़ बियॉन्ड द इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन दैट इज़ फ्रॉम 200 मीटर्स टू 1000 मीटर्स फ्रॉम द सरफेस। ये जोन जो होता है ऊपर से 200 मीटर से लेके नीचे 1000 मीटर तक पाया जाएगा, और इट इज़ द कॉन्टिनेंटल स्लोप रीजन। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप रीजन होता है। लास्ट जो होगा अबाइजल जोन। दिस जोन बिगेन्स एट अबाउट 1000 मीटर्स, यानी आफ्टर 1000 मीटर्स ये जोन शुरू होगा, और यहाँ पर बिल्कुल भी इफेक्टिव लाइट का पेनिट्रेशन नहीं होगा, और ये डीप सी कहलाता है ये, जहाँ पर कि सनलाइट का पेनिट्रेशन कभी नहीं होता है और डार्क जोन होता है। ठीक है, थैंक यू।